So hello my dear student of standard 10th, and today we will discuss question answer of chapter number 5. So this is the first part. Well, the whole chapter is going to be covered into 3 parts. So this is part 1. As you can see, background काफी बढ़िया है. So India's heritage of science and technology. Yeah, let us start with the first question. Answer the following question in detail. Number 1. राइट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई एंशंट इंडिया इन मेट्रोलॉजी. सो यहाँ पे मेट्रोलॉजी में इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट्स है वो सब बताया गया है. तो देखो, पहली बात तो मेट्रोलॉजी क्या होता है. मेट्रोलॉजी मतलब मेटल्स. मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया है ना, कॉपर हो गया, तो ये सारे मेटल्स होते हैं. एंड जमीन में से हम लोग मेटल निकालते हैं, उसको हम लोग एक मूर्ति में कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग शेप्स में उसको चेंज करते हैं, तो यही सब मेटल होता है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर ब्रांच की बात करें तो इसमें मेटल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है. और इसमें मेटल का प्रोडक्शन आता है, उसका प्योरिफिकेशन आता है. देयर ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. ओके, अब मेट्रोलॉजी हम लोग आज से नहीं, सिंस एंशंट टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं. अभी आप देखना कि हम लोगों ने हर पॉइंट नंबर 2 में आएगा. देखो, अगर हम बात करें एंशंट इंडिया के, तो हमने उसमें बहुत ही प्रोग्रेस किया है. नॉट ओनली ऑर्डिनरी प्रोग्रेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस. एंड ये इसके हमको सबूत कहाँ से मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, है ना, जिसमें हमने पहली बार वो फीमेल डांसर डिस्कवर की थी जो आपको उसे एक मेटलिक आइडल से बनी हुई थी. फिर थर्ड पॉइंट में आपको शो करना है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है एंड जो कुशन पीरियड में बनी थी, कुशन राजा के टाइम पे, ये तक्षशिला में मिली है. तो ये भी शो करता है कि हमारा मेटल वर्क कितना एक्सीलेंस है ना. पॉइंट नंबर 4 में आपको चोल पीरियड के बारे में बात करना है, जो आपको एक साउथ इंडियन किंगडम का पार्ट है. यहाँ पे आपको नटराज का स्टैचू है एंड जो वर्ल्ड फेमस है वो बताना है ना. इसका भी उसको भी एक चेन्नई के म्यूजियम में रखा गया है. एंड वहाँ पर भगवान श्री राम जो एक धनुष उठाए हुए हैं. सो ये भी जो मूर्ति है ये हजारों साल पुरानी है. सो मेटल्स में आप लोग बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि हमने देवी देवताओं के, पक्षियों के, इवन जानवरों के, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है. तो ये शो करता है हमारा रिच कल्चर जो हम लोगों ने मेट्रोलॉजी में अटेम्प्ट किया था. सातों 6 के 6 पॉइंट बहुत इजी हैं. सो या लेट अस मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 2. वेल या इट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज अबाउट राइट अ डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री अचीव्ड इन एंशंट साइंस. पहली बात तो केमिस्ट्री क्या होता है. टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, है ना. आप बहुत सारे केमिकल्स को आपस में मर्ज करते हो एंड देन उसका एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये सब उसमें आता है. तो मोर ऑर लेस केमिस्ट्री में आपको ये 4 पॉइंट शो करने हैं, ठीक है. यू कैन सी नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना. अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे इनका खुद का एक स्कूल ऑफ केमिस्ट्री था. इट्स जस्ट लाइक एन डिपार्टमेंट. यहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइनेंस था जहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न स्टडीज एंड रिसर्च होती थी उस टाइम पे. नागार्जुन जो थे वहाँ के आचार्य थे, आचार्य नागार्जुन. एंड नागार्जुन ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, लाइक रास रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, ठीक है. इन्होंने मतलब लोगों को इंसिस्ट किया था कि आप एलोपैथी की दवाइयाँ तो लीजिए ही लीजिए, साथ में हर्बल मेडिसिन भी आपको लेनी है. और इन्होंने ही दुनिया को सिखाया कि जो मरकुरी का ऐश होता है उसको हम लोग कैसे मेडिसिन में यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड अगर वहाँ का एक एग्जांपल लें तो एक मूर्ति है भगवान बुद्ध की, कॉपर से बनी हुई, जो आपको बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानगंज में मिलेगी. स्पेशलिटी क्या है, 7.5 फुट की जो जो मूर्ति है उसका वेट जो है 1 टन है. इवन 18 फुट टॉल एक नालंदा. तो ये सब क्या क्या शो कर रहा है कि हम लोग लोगों ने जो मूर्ति बनाई है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. एंड एक आयरन पिलर भी है जिसको हम लोग विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं, जो चंद्रगुप्ता सेकेंड के टाइम का बना हुआ है.
हजारों साल हो गए, 2000 साल से भी ऊपर हो गए, आज तक उसमें कभी जंक नहीं लगा है। तो ये शो करता है कि हमारा जो एक्सपर्टिज्म था केमिस्ट्री में वो कितना डीप था, है ना। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3, डेट इज डिस्कस एंशंट इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। तो देखो आजकल तो मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, मगर अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका श्रेय जाएगा महर्षि चरक, ठीक है। आई थिंक वर्क नहीं कर रहा, एक सेकेंड है। हाँ, ठीक है, ओके डन। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाग्भट, ये हमारे मेडिकल साइंस एंड सर्जरी के पायनियर हैं, है ना। एंड इन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च किए और इन्होंने इंडिया की जो मेडिकल साइंस और सर्जरी है वो उसको बहुत ही ग्रेट हाइट यानी बहुत ही ऊंचाई पे ले गए थे। अगर हम एक एक की बात करें तो आपको ये तीन पॉइंट तीन रिसर्चर पे ही शो करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महर्षि चरक, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। एंड इसमें 2000 मेडिकल हब्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। वन कैन इमेजिन इन्होंने कितना इंटेंस रिसर्च किया होगा। इसके अलावा महर्षि सुश्रुत, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, ठीक है। एंड ये आपको बताएगा कि मेडिक सर्जरी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। इनके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो इतने बेहतरीन क्वालिटी के थे दैट दे कैन एक्चुअली सेपरेट अ सिंगल हेयर, एक सीधे से बाल को वो दो पार्ट में, वर्टिकल हेयर को टू पार्ट में इजिली दे कैन स्प्लिट, है ना। एंड जो वाग्भट जी हैं उन्होंने वाग्भट संहिता लिखी है। इवन आज भी जितनी भी तीनों की बुक है बहुत ही डॉक्टरों के रेफरेंस के लिए काम में आती है। वाग्भट ने इसके अलावा अष्टांग हृदय नाम की भी बुक लिखी है जो बहुत ही एक्सेलेंट बुक मानी जाती है डायग्नोसिस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। एंड इसके अलावा ये 3 पॉइंट आपको शो करने ही है, इसके अलावा आपको पॉइंट नंबर 4, 5, 6 भी शो करना है। पॉइंट नंबर 4 के लिए आप थोड़ी इमेज जरा सा नीचे कर लेता हूँ। देखिए इसके अलावा आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नाउ अगर हम नॉलेज अबाउट मेडिसिन की बात करें तो इंडियन कल्चर में आपको बहुत सारी हर्बल मेडिसिन देखने को मिलेगी, है ना। हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स मिलते हैं तो वो ठीक है, नॉर्मली हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारी बीमारियाँ भी ठीक करते हैं। इवन हम लोग एनिमल्स के भी कुछ पार्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं। तो लिटरेचर के अलावा ये सब चीज़ें भी हम लोग नोटिस करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, इसके अलावा चीज़ों को कैसे यूज़ करनी है, बीमारियाँ कैसे पहचाननी है, हम लोग सिम्टम पूछते हैं, हम लोग लोगों से उनकी बीमारी की जड़ जानने की कोशिश करते हैं। एंड इंडिया यू कैन से आप आयुर्वेदिक टाइप की बहुत सारी दवाइयाँ भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया साइंस एंड सर्जरी के बारे में, एंड स्पेशली वो भी उसकी सर्जरी कैसे होती थी। वेल अगर मैं सर्जरी की बात करूँ तो जैसे आज मॉडर्न डे में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं तो उस टाइम पे भी सब होते थे, ठीक है। इवन उस टाइम के जो डॉक्टर्स होते थे वो दे नो कि ब्लड सर्कुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। उनके पास एक बॉल शेप बैंडेजेस होती थी। अब ये बैंडेजेस क्या होती थी, इवन दे कुड स्टॉप द ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को एक्चुअली में कंट्रोल कर सकती है। ये लोग अब बहुत ही आसानी से एब्डोमन, किडनी, कैटरैक, हर्निया, स्टोन, पाइल्स, ब्लेडर्स, ये सारी बीमारियां भी वो अपने टाइम पे इजिली बहुत ही स्किलफुली उसको कर लेते थे। इवन ये लोग प्लास्टिक सर्जरी कर सकते थे जहाँ पे इजिली नोज एंड ईयर को भी ये लोग इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ये अपने स्टूडेंट को भी टीच करते हैं, स्पेशली आपने आई थिंक मूवी मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा कि हाउ दे आर कैचिंग द पेन एंड वो डेड बॉडी को ऑपरेट करके दिखाते हैं। सेम वे जो डॉक्टर्स होते थे सीनियर डॉक्टर्स वो जूनियर डॉक्टर्स को डेड बॉडीज पे सर्जरी सिखाते थे। एंड इवन
कई बार वैक्स की स्टैचू का भी इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम पे अपने टाइम पे सर्जरी में बहुत अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, ये सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे। एंड इसमें सबसे लास्ट पॉइंट आता है वेटरनरी साइंस, जिसका सिंपल मतलब होता है जानवरों के डॉक्टर। यस ऑफ कोर्स, इंसान नहीं, जानवर भी बीमार पड़ते हैं। जानवरों की बात करें तो हमारा जो डेवलपमेंट है ईस्टर्न इंडिया में वेटरनरी साइंस में, वो भी बहुत सुपर रहा है। टॉकिंग अबाउट हॉर्सेज, जिसको हम लोग अश्व कहेंगे, एलिफेंट्स, जिसको हम हस्ती कहेंगे, इनके ऊपर भी हमने स्पेशली बुक्स लिख रखी है, लाइक हस्ती आयुर्वेदा, शल्योत्तरा एंड अश्वशास्त्र। ये कुछ जानी मानी बुक्स हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशंट इंडिया। तो इंडिया की जो साइंटिफिक हेरिटेज है वो हमको डिस्कस करनी है। मतलब इंडिया ठीक है, एक रिलीजियस कंट्री है, लिटरेचर निकला हुआ है, बट साइंस में कहाँ से हम लोग आ गए? तो और दिस क्वेश्चन आपके वो सब डाउट सॉल्व कर देगा। देखो, इंडिया में टाइम टाइम पे बहुत सारे महान ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने टाइम टाइम पर अपनी इनवैल्यूबल हेरिटेज हमको गिफ्ट में दी है। इसी में से साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में हम लोग कहाँ पे ठहरते हैं, फिर अगर हम लोग बात करें साइंस की, तो हमारा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्पेशली इन द मेट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिनल साइंस एंड सर्जरी। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले हमारे कुछ पार्ट्स में हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 में ये शो करना है कि इंडिया का जो एंशंट नॉलेज है ना, जो साइंस का है, इवन वो दुनिया आज भी एक्सेप्ट कर रही है ना, वो भी पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ। ग्रेटिट्यूड मतलब हम लोग किसी को शुक्रिया बोलते हैं कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आप किसी को सच में दिल से थैंक यू बोल रहे हो, है ना। कई बार ऐसा होता है महंगे महंगे डॉक्टरों के पास भी जो इलाज नहीं हो पाता है वो इंडिया में हो जाता है। कैसे होता है सो मतलब बिना वो बिना किसी खर्चे के, तो इट शोज द ग्रेटिट्यूड। इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आपको रिलीजन और साइंस का एक कंप्लीट मिक्सर, ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा। होता है ना, कुछ लोगों को दूध नहीं पीना है, कुछ लोगों को केला, सिर्फ वो केले खाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्सर में केला और दूध मिला के ब्लेंड करके उसको पिला देंगे, है ना, समथिंग लाइक दैट। सो ट्रेडिशनल वैल्यूज भी फॉलो की जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि आपको जैसे कि ट्रीज है, दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे इनटेक, रात को रिवर्स हो जाता है। हमारे जो ग्रेट सेज थे, जो ग्रेट थिंकर्स थे, उन्होंने सोचा कि अगर लोग रात को पेड़ों के नीचे जाएंगे सो दे माइट टेक द ऑक्सीजन एंड उनकी बॉडी थोड़ी सी खराब हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। उन्होंने कुछ भूत प्रेत चुड़ैल आत्माओं का एंगल जोड़ दिया, इसलिए रात को कोई जल्दी पेड़ों के पास जाता नहीं है ना। नाउ इंडिया ने, इंडियन हेरिटेज है जो साइंस में, उसने मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है इन जनरल, एंड स्पेशली द वेस्टर्न कंट्रीज आज भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। पार्ट टू वेरी सुन आई एम गोइंग टू अबाउट, आई होप इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन आंसर थे, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, वेरी सुन आई विल ब्रॉट पार्ट 2। टिल देन, बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।